जनता दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच से जिसका जिसको हम दसम कहते हैं, दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच की तरफ से हम लोग आज यहाँ दिल्ली के जो सीवर कर्मचारी हैं, जो ठेकेदारी के अधीन काम कर रहे हैं, उनके बारे में आप सबके समक्ष कुछ बातें रखने को हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग दिल्ली के जो सीवर कर्मचारी हैं उनके साथ पिछले कुछ वर्षों से काम कर रहे हैं और लगातार प्रयास जारी है कि उनको जो उनके हक हैं वो हम लोग उनको प्राप्त करवा सके, उनको इस ऐसी स्थिति हो कि वो लोग खुद अपनी आवाज़ उठा सकें। दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच के बारे में मैं आप सबको बताते हुए ये बताना चाहती हूँ कि नाम से ही जैसे पता चलता है कि दलित और आदिवासी के अधिकारों के लिए हम लोग लड़ते हैं। साथ ही साथ जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, जहाँ पर भी भेदभाव या गलत होता है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हमारा काम सीवर कर्मचारी और वेस्ट कर्मचारी जो वेस्ट उठाते हैं उनके साथ ज़मीन पे जुड़ा हुआ है, उसके साथ ही हम लोग और भी कई चीज़ों में काम करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले हमारे पैनलिस्ट को बुलाना चाहूँगी। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी हेमलता कंसोटिया जी से, जो कि नेशनल कन्वीनर हैं नेशनल कैंपेन फॉर डिग्निटी एंड राइट्स ऑफ सीवरेज एंड अलाइड वर्कर्स की, कि प्लीज़ यहाँ आएँ। और आई मैम, नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगी अशोक कुमार जी से, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं दलित आदिवासी शक्ति अधिकार मंच के, कि यहाँ आए, मंच पे बैठे। अशोक जी आप प्लीज आइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी वेद प्रकाश बिडला से, जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली जल बोर्ड सीवर डिपार्टमेंट मजदूर संगठन के, प्लीज पैनल में शामिल हों। लास्टली मैं रिक्वेस्ट करूंगी संधराम जी से, जो कि प्रेसिडेंट हैं जलमल कामगार संघर्ष मोर्चा के दिल्ली जल बोर्ड की, प्लीज पैनल में शामिल हों। कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सब के सामने, जैसे कि हमने बताया कि हम लोग सीवर कर्मचारी के अधीन जो लोग ठेकेदारी के अधीन जो लोग काम कर रहे हैं उसके मुतालिक ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग अपनी बात पाँच पाँच मिनट में अपनी बात रखें और फिर जहाँ पे जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले हेमलता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी बात रखें। धन्यवाद एना जी, सभी साथियों को जिंदाबाद। मैं हेमलता कंसोटिया हूँ, नेशनल कैंपेन डिग्निटी एंड राइट सीवेज एंड अलाइट वर्कर कन्वीनर। हमने जब इस कैंपेन की शुरुआत की थी 2007 में, गुजरात हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के एक तरह से खिलाफ था। उस समय पे गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारा काम जा रहा था और जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम लोग देख रहे थे, और उसी सोच को लेके ये था कि जब तक नेशनल दिल्ली में इस तरह की चीज़ें नहीं शुरू होंगी तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट का सिलसिला तब स्टार्ट ही हुआ था। और उसको लेके हमने 2007 में एक नेशनल कैंपेन शुरुआत किया और काफ़ी साथी लोग उसमें जुड़े और जुड़ते चले गए। संतराम जी पहले एफिडेविट दिए थे और वेद प्रकाश जी, और उनके साथ ही हम लोगों ने वर्कर्स के बीच में जो परमानेंट जॉब कर रहे थे और उनके साथ ये डायलॉग डिस्कस किया था। तो एक कहीं ना कहीं ये मुद्दा ऐसा था कि उनको लगता था कि शायद ये हमारे रोजगार छीनने का मसला है, खासतौर से जो कम्युनिटी काम करती है, वाल्मीकि कम्युनिटी काम करती है। लेकिन इनकी एक समझ बनी और उन्होंने उन सब चीज़ों को एफिडेविट के रूप में विरोध भी किया कि सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए, हमारा नौकरी सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि ये एक हजार्डेड काम है। अगर हम देखें कि कुछ काम केमिकल इंडस्ट्री का है, कुछ हजार्डेड काम है, खतरे का काम है, उनको किसी भी कीमत पे कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं जाना चाहिए। ये एक राइट टू लाइफ का भी सवाल है, फंडामेंटल राइट भी है, संवैधानिक अधिकार भी है, हमारा संविधान भी कहता है सबको जीने का अधिकार है। तो फिर क्यों नहीं एक सीवेज वर्कर को जीने का अधिकार है? क्यों वो एक गटर में मर जाता है, पर ऐसे गटर में मरता है
जिसकी सफाई वो हमारे सबकी सफाई को कर रहा है। वो एक तरह से सिविल लोगों के मल को साफ करने का काम करता है। उसमें भी अगर हम देखें तो कास्ट का सवाल है, एक पर्टिकुलर एक समाज का व्यक्ति ही उसमें मरता है। आज अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो ये चलन कम तो नहीं हुआ, गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है, चेन्नई का जजमेंट है और भी कई स्टेट के जजमेंट है, उसकी बजाय ये पीपीटी मॉडल के रूप में बढ़ा ही है। पीपीटी मॉडल के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट पे देना मतलब कि उसको अभी जितने भी डेथ केसेस अगर आप आंकड़ा उठा के देखो एनडीटीवी का रिपोर्ट या किसी का भी रिपोर्ट तो ज़्यादातर जो संख्या दिखेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट में डेथ हुए हैं। तो उन कारणों को भी हमें समझना पड़ेगा कि परमानेंट जॉब में कुछ ट्रेनिंग थी, कुछ मैकेनिज्म था, कुछ हैजर्ड का बारे में बताया जाता था, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो कॉन्ट्रैक्ट में आके ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल भी उनके ऊपर अमल ही नहीं किया जाता। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट तो होना नहीं चाहिए इस तरह के काम को। अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट को रोकना शायद बहुत बड़े पैमाने पे एक मूवमेंट की ज़रूरत है। और आज अगर कॉन्ट्रैक्ट हो भी रहा है तो वो जो सारे कंडीशंस हैं जो साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाते हैं ठेकेदार के द्वारा। सिंपल अगर उसको मिनिमम वेज का सवाल है, सेफ्टी इक्विपमेंट का सवाल है या हेल्थ का सवाल है, वो उसको लागू ही नहीं कर पाता। और वो केस जब सामने आता है, जब वो डेथ कर जाता है या किसी मीडिया में सामने आता है, उसके एवज में उसके परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, वो सब चीज़ें उसको कोई नहीं देख पाता है। दूसरा मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी, अभी जो ई श्रम पोर्टल चालू किया, ई श्रम पोर्टल में भी सफाई कर्मचारियों को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, कैसे तरह से रजिस्टर्ड कर रहे हैं, लेकिन क्या वो एक डाटा इकट्ठा करने का तरीका है या वाकई में ही उनके जीवन के लिए सरकार सोच रही है? और कहीं ना कहीं इस तरह के काम में, चाहे वो हम ये देखें कि कूड़ा गिनने के काम में है, चाहे सीवर के काम में है, उनको इस तरह से ई श्रम में रजिस्टर्ड करके क्या बेनिफिट देंगे, उनको किस तरह के बेनिफिट हैं? कभी वर्कर के साथ उस तरह का डायलॉग सरकार का नहीं किया गया और आनंद फानंद में ई श्रम को लॉन्च किया गया जो सभी तरह के मजदूर एक तरह से उसमें अप्लाई करते हैं। मैं इस बात को भी जोड़ना चाहूँगी और बाकी मेरे पैनल के साथी भी जोड़ सकते हैं। एक हेल्थ का जो मुद्दा है, अभी तक कोई भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का ना तो ESI है ना कोई इंश्योरेंस है। ESI एक बहुत बड़ी स्कीम है, तो क्या हम सरकार में इस तरह का ESI उन वर्कर्स को तक नहीं दे पाए हैं, सिंपल चीज़ नहीं दे पाए हैं जो आए दिन हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं? मैं चाहूँगी कि बाकी हमारे पैनल के साथी भी बात रखें और अगर किसी का सवाल होगा तो उसके ऊपर मैं ज़रूर अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पानी अगला मैं, जैसा कि मैम ने बताया कि डाटा की मैम ने बात करी, तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अभी हाल फिलहाल में ये भी कहा गया था कि कोई सीवर में डेथ नहीं होती है। तो हम लोगों का काम ये पिछले 2 साल में रहा है कि जहाँ पे हम लोग उन वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ पर डेथें हुई हैं वाकई में, लेकिन हम लोगों का सारा संघर्ष यही साबित करने में निकल जाता है कि वो सीवर में मरे हैं। तो मैनुअल स्कैवेंजर की क्या डेफिनेशन है, क्या वो है, किस तरह से ये एक डेफिनेशन के जाल में मौतें होती रहती हैं और वो कभी काउंट भी नहीं होती हैं, तो इसका भी एक ये सिलसिला जारी है। तो अगला मैं रिक्वेस्ट करूंगी संतराम जी से कि आप अपनी बात रखें। ओवरटेक संतराम जी। सबको मेरा सादर नमस्ते। मैं इस जल बोर्ड में संगठन चला रहा हूं सन 1983 से। हेमलता जी को हम लाए थे डॉक्टर कुलीन के यहाँ पर और हमने ऐसे फिल्म बनाई थी सीवेज में काम करने से। सीवर में कर्मचारी मर जाते थे, 2800 कर्मचारियों की फेरिस्ट लंबी लिस्ट थी। माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, किसी को परिवार में नौकरी नहीं मिल रही थी, सबको नौकरी दिलवा दी गई और सीवर के बच्चों को जो 10वीं पास है उनको LDC लगवाया था। मैं 2014 में चला गया था एक गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाने, बुलंद शर्मा स्कूल बनाया समाज सेवा के लिए। अब दोबारा पतला का दोबारा फिर हजारों लिस्ट विधवाओं की हो गई है। जल बोर्ड की क्या विडम्बना मैं बताऊं आपको, हमला तक तो ABCD भी नहीं पता, उस बारे में बताऊंगा। जब जब मैं तो हमला को मैं लेकर के गया जहां भी, तो वहां का जो दृश्य था वो आप देख नहीं सकते आम आदमी। सेफ्टी मेजर्स मेरा दावा और चैलेंज है, सेफ्टी मेजर्स पहन करके अगर सीवेज के अंदर वर्कर को काम करा के दिखा दे कोई कर्मचारी अधिकारी पॉलिटिकल नेता, मेरा चैलेंज है। कोई सेफ्टी मेजर्स नाम का है नहीं, ठगा जाता है।
डेगरा मोड में सोनिया प्लांट में 5 आदमी मर गए थे ऑन स्पॉट, रहा नहीं गया, मन दुखा, लाशें लेकर के मुझे झंडे वाला आना पड़ा, लाशें लेके आना पड़ता था। वहां सीवर गैस भी है, क्लोरीन गैस भी, दोनों कहते बड़ी डेंजर है, हानिकारक है। तो सीवर गैस के अंदर अगर आपने पहला सीवर नहीं खोला और दूसरा लास्ट वाला सीवर खोलना पड़ेगा, बीच में जब सीवर खोलेंगे तो उसकी गैस निकलेगी, उसमें बुलबुले उठेंगे। तो कर्मचारी सीवर में खोलने चला गया तो आज तक जल बोर्ड के पास, किसी भी बोर्ड के पास, किसी भी सरकार के पास, पूरी दुनिया में यह नहीं है कि कर्मचारी को कैसे बचाया जाए। तो हमारे पास देसी जुगाड़ है, उसके मुंह में चीनी डाल देना फटाफट, जब वो मर रहा है चीनी डाल देना, अगर उसमें एक उतर गया, एक आदमी मर गया, 100 उतरे तो 100 आदमी मर गया। और हमारे लोग वह डरते हैं, डॉक्टर कोलिन को मैंने ऐसी फिल्में दिखाई हैं और रिकॉर्ड आज भी हेमलता पे शायद होंगी, मुझे पता नहीं है, हेमलता मेरा कुछ काफी लंबा मिलने का हो गया। दोस्तों आपको मैं चीजें ना, आपको कोई फिल्म नहीं देगा मेरे अलावा, कोई नेता देगा ही नहीं, सरकारी खान फोटो खींचनी, मैं आपको फोटो दे दूंगा, फिल्म भी दिखाऊंगा, उनके जो कारगुजारी अधिकारी होंगी, अभी उन्होंने कहा सब कॉन्ट्रेक्टर, मेरे टाइम में नहीं था सब कॉन्ट्रेक्टर, एक आदमी ठेका लेगा 1,00,000 रुपए का, वो आगे 50,000 में बेच देगा, आगे वाला उसे 25,000 में बेच देगा, 25,000 वाला लेबर को ले आएगा, लेबर का ना एड्रेस होगा ना गांव का पता होगा। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है, राजा राजधर्म पर नहीं रहे, राजा का राजधर्म पर रहे। अगर ये तौलिए से पैर पूछने जरूरत नहीं है वाल्मीकि की, सफाई कर्मचारी की, उसको नौकरी की जरूरत है, तो पेट है उसको, भूख लगती है, उसके प्राण कैसे बचे उसमें काम करना चाहिए। पैर धोने से दुनिया देख ले, मीडिया दिखा दे, उससे कुछ नहीं है। आप उसको रोजगार दीजिए, सरकारी आपके डॉक्यूमेंट्स जो चेक होते हैं, आप उस चेक होने के बाद नौकरी लगता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके द्वारा हम काम करें। माननीय मुख्यमंत्री को हमने सपोर्ट किया, रामदेव को भी सपोर्ट किया, 6 करोड़ का खर्चा था सीवेज का, पाइप वाटर का, रामलीला मैदान में हमने फ्री पानी दिया, रामदेव सरकार जानते हैं, आप पूछ लेना। रामदेव जी आज जेल में पड़े होते, अगर मैं ना बचाता तो सीआई पीछे लग गई थी गुरु की हत्या में, हमने कहा भी ऐसा मत करना फंस जाओगे। आप देख लो तो करमवीर स्वामी करमवीर जी पुरकार जी में जो उनके बड़े गुरु भाई हैं, आज बोलते नहीं है, बड़े सच्चे सन्यासी हैं। मैंने कहा इनके खिलाफ दवाई मत दे देना, आज रामदेव जी को आदमियों से बदबू आती है, काम तो ले लिया हमसे, काम तो लेते हैं, तो इसमें अगर आप आवाज उठाओगे तो आपकी हत्या की जाएगी, आपको मार दिया जाएगा, आपको रिश्वत का ऑफर मिलेंगे, आप रिश्वत नहीं लेंगे तो आपको मारा जाएगा। मेरे घर में कंपनी वाला सीवेज कंपनी का मालिक, एलएनटी कंपनी का मालिक मेरे पास आया, कह लगा या तो 10,00,000 रुपए ले लो या फिर तुम्हें एक आसानी भेजेंगे कसाई को, इतनी गोली मारेगा आपको और आप मर जाएंगे। तो मीडिया का एक पुलकित नामक लड़का था, वो उसकी लाइव बना रहा था, अंदर वो बैठा कर बता दी सारी बात, हमने सीबीआई को बता दिया। तो सीबीआई साहब क्या कहती है कि हम इसको नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। मैंने कहा सरकारी आदमी के काम में पैसे तो ले रही है, आपको क्राइम रोक नहीं तो है। उन्होंने हाथ ठंडे कर दिए, फिर कह रहे 51% का होना चाहिए, हमने वो भी लिखा दिया। दोस्तों उसके बाद जानलेवा हमला हुआ, मार के डाल दिया गया, FIR दर्ज हमारे पर हुई। आप समझ लो जहां तक, अगर आवाज उठाओगे, गरीब की सेवा करोगे तो हत्याएं होंगी हमारी। कहने में तुम दलित जरूर है, कहने में पिछले दबदबे पिछले जरूर है, आज भी हमारे बच्चों से उनसे हीन भावनाएं होती हैं जो होती आ रही थी। 74-75 वर्ष आजादी का मना रहे हैं, लेकिन मजदूरों के साथ वो सौतेला वो गंदा व्यवहार हो रहा है जो प्रकाशता से भी परे है। जितना भी कहे जुबान में अल्फाज नहीं है उसके लिए, उसका दर्द आपको मैं दिखाऊंगा ऑन रिकॉर्ड, और आप उसको ईमानदारी से लड़ो, मैं आपके साथ हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बेईमान लोग बहुत बड़े ऊंचे लेवल के बेईमान है, ये लाशों को बेचते हैं, आदमियों को जीवन को बेचते हैं। और अभी चले जाओ आप, अभी फिर पहले तो ये कहा के जो आदमी सीवर कर्मचारी मर गया 10वीं पास है, उसको बच्चा एनडीसी लगेगा, लिपिक लगेगा, अब वो ऑर्डर अब लंबी फैरिस्ट है मस्टोर पे लगेगा, वो भी बेलदार। मतलब मेरा बेटा, अगर मैं सीवर बेलदार हूं तो मेरा बेटा सीवर में ही काम करेगा, जब MBA की डिग्री भी तक कर ली उसने मस्टोर पर। ये इन बुद्धिजीवी कहते हैं, बुद्धिजीवी नहीं है ये, नतजीवी ये है। हम दुनिया की गंदगी साफ करते हैं, दुनिया की गंदगी। जब काम कर रहा था मेरा कर्मचारी,
ऊपर से लैंड पड़ रही होती है, कुछ भी नहीं होता शरीर पर, कपड़ा ना, हेलमेट ना, मास्क कुछ नहीं होता। ऊपर जो सफाई कर रहा है तो ऊपर से बाहर पतनाला बह रहा है, वो नहीं बंद करने का सिस्टम हमारे पास आज तक। और हमारे बच्चे को आज दोबारा से केजरीवाल साहब वही ले आए, सीवर क्लीन मशीन पर केजरीवाल जी का फोटो है, उनकी उनकी खरीदी गाड़ी नहीं है, सरकार की खरीदी गाड़ी है, सरकार का पैसा, फोटो केजरीवाल जी का, कर्मचारी बच्चा लगा हुआ प्राइवेट केजोपुर में, एक बच्चा मर गया उस गाड़ी पर, एक तो छुट्टी नहीं उसकी, महर्षि वाल्मीकि भगवान कहते उनका भी त्योहार नहीं मना सकता, उसके बाद उसको आज तक भी नौकरी नहीं दी उसे परिवार को, आज तक एक तो गोली से मारा दिख रहा है, गोली से मार रहे हैं, लेकिन सीवर गैस से मर रहा है उसका कौन सुनेगा जो दुनिया के अंदर की साफ कर रहा है। अगर आज सफाई कर्मचारी देश में ना हो तो इस देश का क्या हाल हो जाएगा आप जानो। आज दिल्ली दबर ही चाहते कूड़ों से देख लीजिए दोस्तों, ऐसी ऐसी विडंबनाएं, ऐसी ऐसी घटनाएं, समय का अभाव है। डॉक्टर ने मुझे बुलाया, मैं धन्यवाद करूंगा, लेकिन दोस्तों मेरे सीने में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं ऐसे दर्दों को बर्दाश्त नहीं करता, मैं हमला करता हूं नेताओं पर, मैं ना घरों पर जाकर धरना देता हूं, सीधा घर पर मैं 4 बजे पहुंच जाता था, और जब सुबह 6 बजे घूमती थी मुझे देख के बुलाती थी, मैं फिर उससे मिलने नहीं जाता था। तो मैंने उससे कहा कि माननीय मुख्यमंत्री बेटा तू आजाद क्या बात है कि तू मर गई और तू विधवा हो गई, तेरा पति मर गया, तू मुख्यमंत्री बन गई और तेरा बेटा सांसद बन गया विधवा का बेटा, ये कर्मचारी का बेटा सीवर बेलदार था ना, इसका कोई मुख्यमंत्री है कोई प्रधानमंत्री नहीं है, इनको रोजगार दे दे, भूखे मर रहे हैं, वो घूंघट और पर्दे में रहने वाली महिला है। तो आप उसे देखें दोस्तों, बहुत ऐसी, मैं क्या बताऊं यार, मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसे भी विडंबना है। आज देखो ना पंजाब में मुख्यमंत्री कितना अच्छा काम कर रहा, देखिए पहले तो राजा साहब काम कर रहे थे, राजा साहब तो राजा साहब के टेट में रहते थे, हर बात को कर रहा है, आज सब चीज काम हो रही है। तो जो आदमी दर्द वाला होगा वो आदमी दूसरे के दर्द का एहसास होगा उसको, जाके ना हो भाई वो कहा जाने पीड़ पर आई, पीड़ पर आई वो जाने का भाई फटी होगी, एडी फटी होगी, तो दर्द जानेगा वो जानता है ना, दर्द का दर्द देखा उसने। तो मैं भले इस बात की जाति में नहीं पैदा हुआ, लेकिन मेरे साथ मेरे थाली में एक सब खाना खाते हैं और बैठते हैं, हजारों हजारों लाखों लोग उनके रोड पर निकाले हमने, तो बड़े इसमें बिटिया कह रही है बस ये टाइम थोड़ा सा, टाइम थोड़ा सा है, दर्द तो बेटा सा समय नहीं होता, दर्द को छेड़ोगे ना तो उसमें तो घाव हो गए होगा मेरे बच्चे जी। बेटा देखो अगर हम अच्छा करेंगे इसके लिए समय का तो भूल जाओ, ये मीडिया वाले भी हाड़ मास के बने हमारी तरह ही, और आए सिर्फ मरने के लिए, मूर्त घाट है, शमशान घाट है, अगर यहां जो आदमी करेगा वो भरेगा जरूर। इसलिए मेरे आपसे कहना, मुझे भाई अशोक जी बार बार बुला रहे थे, मैं आ नहीं रहा था, ये ललता भागी हेमलता भागी हमें छोड़ के बीच में ही अधूरे अधूरे में, कई बार जयपुर की हो गई है, मगर जयपुर की होगी बुलाए हमने तो, कैसे होगी पता नहीं। तो मेरे दुख होता है कि हमें ये रहना चाहिए कि हम विपत्ति में रहने चाहिए, मैं क्षमा जाऊंगा आपका, दे दिया, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संजन जी। और समय का अभाव तो एक ऐसी चीज है जिससे कोई कुछ नहीं कर सकता, पर आपने एकदम ऐसा लग रहा था कि आप एकदम दिल के सारे छाले जख्म जो है वही निकल रहे हैं। तो आगे हम और बात करते हुए, जैसे कि संतराम जी ने बताया कि दलित की बात करी, तो मैं आप सबके सामने एक ये बात रखना चाहूँगी कि हम लोग पिछले कुछ समय से पूरे दिल्ली में सर्वे कर रहे हैं, हम कुछ समय में उसकी शायद कुछ वक्त लगेगा, लेकिन हम इसकी एक सार्वजनिक रिपोर्ट ज़रूर देंगे। हम लोगों ने जो सर्वे किया है इसमें हम लोगों के सामने ये आया है कि दिल्ली में जितने सीवर कर्मचारी हैं उसमें कास्ट एंगल है। अगर हम लोग ये कहते हैं कि नहीं ये तो एक काम है, तो ऐसा नहीं है। इसमें अगर 10 कर्मचारी का हम लोगों ने सर्वे लिया है तो 10 में से 9 जो हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं, वो दलित हैं। तो आपको जब भी कोई चीज़, जब एक सीवर कर्मचारी की बात हो रही है उसके साथ भेदभाव की बात हो रही है, तो सिर्फ वो एक सीवर कर्मचारी की बात नहीं हो रही है, वो एक दलित के साथ की बात हो रही है। तो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस को बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी अशोक जी से कि आप प्लीज अपनी बात रखें। ओवर टू अशोक जी। आज सीवरेज वर्क को लेकर और उसमें जो पर्टिकुलर क्लास है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, उनकी दिक्कतों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है दसम द्वारा, और मैं दसम की टीम का भी धन्यवाद करता हूँ जिसने
ऐसे ज्वलंत विषय को लेकर और एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस मसले को थोड़ा सा और ऊपर मीडिया तक भी ले जाने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से मैं ये धन्यवाद के पात्र हैं और पूरी टीम जो है वो लगी है उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं भी अशोक टा नेशनल कोऑर्डिनेटर दसम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज इस पूरी टीम के प्रयास में ही शामिल हूँ और उसमें माननीय सतराम जी, वेद प्रकाश जी, हिमलता जी, एना जफर जी, इन्होंने अपना समय निकालकर शिरकत की, तो इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। साथियों, सीवेज का जो मुद्दा है और सीवर कर्मचारियों का जो मुद्दा है वो काफी समय से जटिलता लिए हुए था, तो इसमें दुर्घटनाएं भी बहुत होती थी जब हमने पेटिशन शुरू किया 2007 में, और मेडिकल के नाम पे भी कुछ नहीं था, कंपनसेशन के नाम पे भी कुछ नहीं था। कर्मचारी तो बहुत था पूरी दिल्ली को संभालने के लिए, उस समय कर्मचारी की संख्या भी ज्यादा थी। उसके बाद हर एक चीज घटती चली गई। हालांकि 2007 में जो पेटिशन डाली गई नेशनल कैंपेन के नाम से, उसमें काम का मशीनीकरण तो हुआ, दुर्घटनाएं रुकी, लेकिन अभी जैसे हेमलता जी ने कहा कि जो उस कम्युनिटी जो काम करती थी उस पर काम की भी दिक्कत आ गई। सीधा सीधा ये लगा कि मशीनीकरण होने से तो काम ही छूट जाएगा और आने वाले दिनों में इन कर्मचारियों की जो आज संख्या है वो कल रिड्यूस हो जाएगी, और ऐसी रिड्यूस इस स्तर पर हो जाएगी कि कर्मचारी ढूंढे नहीं मिलेगा। तो फिर ये मशीनीकरण है, ये जो इक्विपमेंट्स आए हैं इनका यूज कैसे होगा, कैसे दिल्ली की सफाई होगी। तो धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया, तो वही स्थिति जिस चीज का हमें डर था वही आ गई सामने, कि कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम, आउटसोर्सिंग सिस्टम बढ़ गया। हालांकि जो रेगुलर नेचर का जो काम है जिससे पर्यावरण को साफ रख सकते हैं, उस काम के लिए आउटसोर्सिंग के लिए मना किया था माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी। उसके बाद भी दिल्ली सरकार अवहेलना कर रही है, सीधा सीधा आप कहेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसके ऑर्डर्स का, जो एंट्रीम ऑर्डर थे गुजरात में, गुजरात हाई कोर्ट से डिसीजन आए वो सेंट्रली इम्प्लीमेंट हुए, लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो एंट्रीम्स ऑर्डर थे उस पर भी SOP सही तरह नहीं बनी है। कई राज्यों में SOP बनी है लेकिन दिल्ली सरकार ने SOP नहीं बनाई है। तो हम जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर की जो वर्तमान में स्थिति है, हमने टीम के माध्यम से उन तक पहुंचे, कुछ कार्यक्रम भी उनके बीच ऑर्गेनाइज किए, कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की, उसमें ये निकल कर आया कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर जो आज के डेट में काम कर रहे हैं उनके ऊपर सीधा सीधा रोजगार की दिक्कत है, सुनिश्चित रोजगार नहीं है। जब इतनी बड़ी पर्यावरण व्यवस्था को संभालने के लिए जो कर्मचारी काम कर रहा है उसको अपने भविष्य का ही पता नहीं कि वो ये काम करता करता अपने भविष्य को भी बना पाएगा या नहीं, अपने बच्चों को भी पाल पाएगा नहीं है, उनको एजुकेशन, हेल्थ और सभी तरह की जो सुविधाएं है वो दे पाएगा या नहीं। क्योंकि अब इसका सीधा सीधा कारण ये कि सैलरी बहुत बड़ा मैटर करती है। सैलरी तो उनको ऐसी मिल रही है जो बिल्कुल ना के बराबर है, किसी को 9,000 मिल रहे हैं, किसी को 10,000 मिल रहे हैं, किसी को 8,000 मिल रहे हैं, और पूरी दिल्ली में हमने सर्वे के दौरान पाया कि सैलरी भी वेरी कर रही है। हर एक जगह ठेकेदारों को ठेका दे दिया दिल्ली जल बोर्ड ने, और जहां जहां भी जो जो एजेंसी है सीवर का काम देखती है, NDMC भी है उसमें, दिल्ली कैंटोनमेंट भी है, DSIE, DC भी है, DDA भी है कई जगह जहां पर ये काम देखा जा रहा है सीवर का। लेकिन हर एक जगह जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं वो इंडिविजुअली जो ठेकेदार हैं वो ठेकेदार अपने कर्मचारियों को अलग अलग रूप में सैलरी दे रहे हैं, कहीं कुछ मिल रहा है कहीं कुछ मिल रहा है, वेज में भी फर्क है सैलरी में भी फर्क है। और उनसे जुड़े हुए जो हमने जो सर्वे किया कंडक्ट किया उसमें जो निकल के सामने आए उसमें कई ऐसे सारे ज्वलंत इश्यू हैं, तो वो सीधा सीधा इंडिकेट करते हैं कि कुछ जैसे फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं है, वर्क कंपनसेशन एक्ट लागू नहीं है, है ना, और जो सैलरी आती है वो बैंक के थ्रू आती है। अब बैंक के थ्रू जो सैलरी आती है उसमें ठेकेदार का और वर्कर का और जो उसके अधिकारी है उसके बीच जो नेक्सस बना हुआ है वो नेक्सस के जरिए इनकी सैलरी को हड़प लिया जाता है, मतलब उन तक वो पहुंचती नहीं है, बैंक में आती है, बैंक में उनकी सैलरी आ जाती है, वो निकाल लेते हैं, उसके बाद वो उनसे चेक मांगते हैं कि इतने का चेक हमें दे दो, तो वहीं फर्क हो जाता है कि वहां कमीशनखोरी चल रही है। तो सीधा सीधा ये दलित समाज के जो वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उनका सीधा सीधा शोषण हो रहा है। ये पूरे देश में हो रहा है लेकिन मैं पर्टिकुलरली बात दिल्ली की कर रहा हूं, तो दिल्ली में इस तरह से जो दलितों का दलित कर्मचारियों का जो शोषण सरकारों द्वारा हो रहा है, ठेकेदारों द्वारा हो रहा है, वो काफी दयनीय स्थिति में है। तो इसी प्रयास को लेकर हम चल रहे हैं कि कैसे ना कैसे इन कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर की स्थिति सुधरे,
उनको ESI का बेनिफिट्स मिले, PF का बेनिफिट्स मिले, उनको रोजगार सुनिश्चित हो उनका, क्योंकि दिल्ली का क्षेत्रफल इतना बढ़ गया है, जहाँ कभी जंगल हुआ करते थे वहाँ भी आज रेजिडेंशियल इलाका हो गया है, इंडस्ट्रियल्स डेवलप हो गई हैं, तो सीवरेज भी पहुँच गया है, अपार्टमेंट्स बन गए हैं, बड़े बड़े मॉल्स बन गए हैं, वहाँ सब जगह सीवरेज का काम हो रहा है, सीवर क्लीनिंग का काम हो रहा है, लेकिन लेबर भी उस हिसाब से, लेबर को जो काम उसमें कर रही है उस हिसाब से उस लेबर को बेनिफिट्स नहीं है सरकार की तरफ से, ठेकेदार की तरफ से। हाँ, सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है कि हमारे अकाउंट्स फुलफिल है, उसमें सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं ठेकेदारों की, हमने जो ठेके जो पास किए हैं वो सारी कंडीशंस को देख के किए, लेकिन फिर ये सारा मामला बिगड़ कैसे रहा है? ठेकेदार के कर्मचारी जो है उनको वो बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल रहे, उनको सैलरी क्यों नहीं मिल रही है, उनको ESI का वो बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल रहा, PF क्यों नहीं कट रहा है, जबकि फैक्ट्री एक्ट ये कहता है कि जहां भी 10 से ज्यादा काम कर रहे हैं, लोग बाग काम कर रहे हैं, वहां पर ESI और PF तो मैंडेटरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। उसके बावजूद भी, क्योंकि जिसने ठेका लिया है वो मतलब ऑब्वियसली मतलब वो कंपनी है ना, किसी कंपनी को ठेका दिया, उस कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं, तो उस जो वर्कर काम कर रहा है उसकी फैमिली भी है, तो उसकी मेडिकल फैसिलिटीज कौन देखेगा, उसको ESI PF की सुरक्षा कौन देगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार जो ठेका जो आवंटित कर रही है उन ठेकेदारों को स्ट्रिक्टली ऐसे आदेश और उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन है तभी देखकर फुलफिल करे, और उनका कुछ अकाउंटेबिलिटी हो सरकार के प्रति उन ठेकेदारों की, कि हम ESI और PF हर एक कर्मचारी को देंगे जो हमारे साथ काम कर रहा है, तभी ये स्थिति सुधर सकती है, अदरवाइज उनके ऊपर जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स हैं उनके ऊपर सर्वाइवल का बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है, और ये सीधा सीधा दलित समाज जो है वो आने वाले समय में उनके पास रेगुलर रोजगार नहीं होगा, तो वो कैसे जी पाएंगे, ये हम सोच के भी मतलब हमारा दिमाग हिल जाता है कि दलित समाज आगे कैसे बढ़ेगा। सरकार की पहले से ऑलरेडी ऐसी कुछ नीतियां आई हुई हैं, उन्होंने उनका आगे बढ़ने का रास्ता किस अलग अलग प्रकार से रोका हुआ है, कहीं निजी एजुकेशन के नाम पर, कहीं महंगी एजुकेशन के नाम पर, कहीं कुछ, तो ये जो बिल्कुल फोर्थ क्लास का जो काम कर रहा है, जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपनी जान दे रहा है, अपनी जान भी दे रहा है, और पॉइजनस गैसेस से डेली उसका सामना होता है, मशीनीकरण तो हो गया लेकिन जब वो सीवर का ढक्कन खोलता है तो ढक्कन के सामने तो वही खड़ा होता है, और जो सीवर में जो गैस है, पॉइजनस गैसेस है, वो तो सीधा सीधा उसी के ऊपर टक्कर मारेगी, अब उस जो टक्कर मारेगी तो उसमें उसके शरीर को जो इफेक्ट करेगी वो गैस, अब उस गैस को उसका असर कम करने के लिए उसके पास प्रॉपर सेफ्टी गियर्स नहीं हुए, नहीं प्रोवाइड हुए, ऐसा हमने हर एक स्टोर पे जाकर देखा, उनसे पर्सनली इंडिविजुअली हमने बात की है, तो यही निकल कर आया, कहीं कास्ट का एंगल है, कहीं डिस्क्रिमिनेशन का एंगल है, कहीं ESI PF मेडिकल फैसिलिटीज का, और सबसे बड़ी बात हम चाहते हैं दिल्ली सरकार से, हम चाहते हैं कि इन लोगों का रोजगार सुनिश्चित किया जाए। 600-700 लोग हैं जो इंडिविजुअल ठेकेदार के अंडर में और जो MLA के अंडर में काम कर रहे हैं, और अलग से जो कंपनियां हैं, जैसे कि डिक्की के सहयोग से जो गाड़ियां आई थी उन पर जो लगे, हर एक गाड़ी पे दो दो हेल्पर है, एक ड्राइवर होता है, वो भी प्राइवेटली काम कर रहे हैं, उनका भी शोषण हो रहा है, और हम उन कर्मचारियों से भी मिले, उन्होंने भी अपनी दिक्कत हमारे साथ शामिल की है कि हम भी ऐसे से सफर कर रहे हैं, लेकिन क्या किया जाए, हम यूनियन नहीं बना सकते, कंपनी के मालिकों को पता चलेगा कि यूनियन बना लिए तो दे विल गेट फायर्ड, उनको काम से निकाल दिया जाएगा, तो उनके पास कुछ रास्ता नहीं, उनको सूझ रहा है कि क्या किया जाए, शोषण को कैसे रोका जाए, तो संगठन के तौर पे हमारी यही डिमांड है कि इन सीवर कर्मचारियों की दशा सुधरे, उनको बेनिफिट मिले। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी। अशोक जी ने जैसे कि बताया कि ESI PF और इन सब के बारे में बताया, तो मैं आप सबके समक्ष ये भी बात रखना चाहती हूँ कि जैसे कि उन्होंने कहा रोजगार सुनिश्चित, तो ठेकेदारी के अधीन ये नेक्सस चल रहा है, हम लोग इसे नेक्सस कहेंगे, कि ठेका होता है 6 महीने का और काम मिलता है 4 महीने का, ये और उस 2 महीने जब उनको ठेका नहीं मिलता है तब वो या तो कुछ भी छोटा मोटा काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, या घरों में बेरोजगार बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि क्या पता ठेकेदार बुला ले तो हमें जाना पड़े। उसके साथ ही हम आप सबके सामने ये भी बताना चाहेंगे कि संडे हो या दिवाली हो या कोई भी अवकाश हो या जब वो बीमार पड़ जाएं, तो अगर उन्होंने संडे की तो छुट्टी ठेकेदार दे देता है, पर वो छुट्टी के बदले वो उनकी एक दिन की कमाई खाता है। जब दिवाली हो या कोई भी सरकारी छुट्टी हो तब भी उसके पैसों का भुगतान उस कर्मचारी को करना पड़ता है, क्योंकि उसके भी पैसे काटे जाते हैं। हम आप सबके समक्ष एक और चीज़ रखना चाहेंगे कि हम लोग
दिल्ली दसम की टीम दिल्ली के 10 एमएलए से मिली, 10 एमएलए जो कि रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे मिली, और उनके समक्ष हमने ये बात रखी कि ये पूरा नेक्सस चल रहा है, कर्मचारियों के साथ वेज डिस्पैरिटी होती है, उनको ठेका नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि वो लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं। तो एक आप सबको मैं बताना चाहूँगी कि जब कुछ हमारे साथ जो कर्मचारी जुड़े उन्होंने जब आवाज़ उठाई, कहा कि ठेकेदारों को हम पैसे नहीं देंगे, तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ऐसे में डर का जो माहौल बना रहता है हमेशा कर्मचारियों के ऊपर कि हम अगर अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हमें कल से कह दिया जाएगा कि भाई तुम मत आओ, तुम ज़्यादा नेता बन रहे हो। तो ये एक डर का माहौल है, और इस ये मैं आप सबके सामने बात रखना चाह रही थी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी वेद प्रकाश जी से कि आप अपनी बात रखें। वेद प्रकाश जी, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वेद प्रकाश बिरला है। मैं दिल्ली जल बोर्ड सीवर डिपार्टमेंट मजदूर संघ का अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश। 2007 से हम नेशनल कैंपेन से जुड़े हेमलता जी, अशोक जी, इनको मैंने सारे पूरी दिल्ली का सर्वे करवाया, और उस सर्वे के बाद कराने के बाद एलडी मिश्रा जी जो थे, जो मानव आयोग के चेयरमैन थे, उनको सेफ्टी हाईकोर्ट कमेटी के चेयरमैन बनाया गया। उसमें मैं साथ रहा उनके, और उससे चलते मैंने उनको भी दिल्ली का सर्वे पूरा करा, दिखाया कर्मचारी के साथ कैसा होता है। लेकिन मिश्रा जी हमारे साथ चले, और उन्होंने भी देखा कि सफाई कर्मचारी, सीवर कर्मचारी कैसे काम करते हैं, इनकी दुर्दशा कैसी है। तो उन्होंने भी देखा, दिल्ली जल बोर्ड के अंदर हर महीने एक मीटिंग होती थी, उसमें सारे अधिकारी बुलाए जाते थे, एनडीएमसी के भी, डीएसआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी, साहब वहाँ पे सभी को बुलाया जाता, सभी अधिकारी को, और वहाँ उसमें बताया जाता। तो विस्तार से सारी समस्याओं जो हम बताते थे तो वो सुनते तो सकते, लेकिन अधिकारी ने कभी लागू नहीं किया। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया, जो गुजरात हाई कोर्ट का वो डिसीजन हमने दिल्ली जल बोर्ड में लाके डाला, कि गुजरात हाई कोर्ट के अंदर भी जब हुआ था कि जो गुजरात में 8 आदमी की डेथ हुई थी सीवर के अंदर, तो जब गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन यहाँ आया तो इसमें कहा था कि सीवर कर्मचारियों को सेफ्टी सुरक्षा ओपन दिए जाए, और सीवर कर्मचारी सीवर के अंदर ना उतरे, और जितने कंट्रैक्ट वर्कर जो हैं उनको सम्मान काम का सम्मान वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि वो सम्मान काम वो पक्के आदमी जो हैं डिपार्टमेंट के उनके बराबर काम करते हैं, उनको भी सारी फैसिलिटी सीवर उनके बराबर मिलनी चाहिए। उनके सम्मान काम और सम्मान वेतन के बारे में मैंने अभी कहा, कई दफा हमने दिल्ली जल बोर्ड के प्रदर्शन किया कि इन कर्मचारियों को भी सम्मान वेतन दिया जाए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मुख्यमंत्री जी के साथ भी मीटिंग की, उन्होंने आश्वासन तो दिया लेकिन करा कुछ नहीं। हमने कहा इन सभी लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इनका मेडिकल होना चाहिए, मेडिकल लगा होने के बाद में इन लोगों का पीएफपी होना चाहिए, और इन लोगों को पूरी सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन ठेकेदारों द्वारा जो आदमी लगे वो आदमी काम कर रहे, लेकिन ठेकेदार आदमी देता है और उसी रेट पे, कुछ कोई जिम्मेदारी नहीं। जिम्मेदारी हो तो दिल्ली जल बोर्ड की है, दिल्ली जल बोर्ड का भी कोई अधिकारी नहीं जाता उसके साथ भी, सिर्फ उनको बता दिया जाओ भाई आप वहाँ सफाई करो उस सीवर की, और उसको सफाई करवाओ। वे वहाँ जाते हैं बेचारे सफाई करते हैं, उनका कोई हाजिरी रजिस्टर नहीं, ताकि अगर वो कोई दुर्घटना हो जाए वहाँ पे और उसके साथ उसकी डेथ हो जाए तो वो तो कहते हैं हमारा आदमी नहीं है, हमने लगाया नहीं, हमारी इसके कोई सैन नहीं है, जो कोई हाजिरी रजिस्टर नहीं है। तो वो हाजिरी रजिस्टर भी हमने बनवाए कुछ जगह में, भाई इनके सैन कराओ और ये लिख के दो कि भाई इस साइड पर ये जा रहे हैं, इस लाइन को सफाई कर रहे हैं। तो कुछ जगह ये हुआ, फिर मैं पूरी दिल्ली में घूमा, जितने भी कंटैक्ट वर्कर हैं उनके पास गया, उनके पास बेचारा के पास रोटी खा रहे हैं, तो वही साइड में बेचारे वहीं से किसी से हाथ पानी लिया, धो लिया, खा ली।
उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं, कोई सपोर्ट। कभी देखो कोरोना में किसी को कोई भी सुरक्षा उत्पन्न कोरोना के उसको टेस्ट नहीं दिए, और आए हुए तो जलबोर्ड में जलबोर्ड के दिखा रहे गए या ठेकेदार खा गया। उन बिचारों ने उसमें भी काम किया और कहना उनके पास ना तो है कोई गम्बूट है, न दस्ताने है, न हेलमेट है, न बॉडी सूट है, कुछ नहीं। ऐसे जाओ भाई, क्योंकि उनको मरने के ऊपर छोड़ दिया कि ये गरीब दलित वर्ग के लोग हैं, मरे तो मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। हाँ पैसा देने की बात करते थे, कोई दुर्घटना हो गई तो उसको कहना मैं चलो 10 लाख रुपए जुर्मा, वो भी इसी कोर्ट के माध्यम से 10 लाख कराया था, वही गुजरात का जो डिसीजन आया था उसी कोर्ट के लागू करवाया था 10 लाख रुपए का मुआवजा अगर इसमें कोई दुर्घटना हो जाए। बहुत प्रयास किया, जो जब भी मीटिंग होती थी कहते थे भाई ऐसा तो कुछ है नहीं, तो जब जाके गुजरात से लेके आए थे तो कहते गुजरात हाईकोर्ट में है ये हुआ, जब जाके हमें जब ये लागू हुआ। अब सीवर कर्मचारी जो काम करता है उसकी जो सैलरी आती है, हमने कहा इसकी सैलरी उसके अकाउंट में आ, उसके बैंक खाता खुलवाया जाए, वो खुला। लेकिन ठेकेदार सैलरी डालने से पहले कर्मचारी के पास अपने आदमियों को भेजते जा भाई इसके पैसे निकलवा और इसको 7,000 देने बाकी ले आना। वो ठेकेदार का आदमी उससे ले जाकर वो ना दे तो उसको हटा दे, अगर वो किसी को बताए हमारे कैसे बोलो तो उसको फिर भी हटा दे, उसी जगह दूसरा आदमी लगा दे, ना उसका मेडिकल और ना उसका इंश्योरेंस, उसी जगह दूसरे आदमी लगा दिया, उसी के नाम पे मेडिकल इंश्योरेंस है और उस जो लगा उसका कोई मेडिकल नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, उसका कुछ नहीं। अगर मान लिया जाए वो लगा दिया जाए उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो उसका ना तो मेडिकल है ना उसका इंश्योरेंस है, तो वो तो बहुत भारी बात पड़ गई। इसी करके हम कहते हैं कंट्रैक्ट वर्कर नहीं होना चाहिए। शीवर का काम ऐसा खतरनाक है, इसमें कई प्रकार की गैसें होती हैं। एक गैस ऐसी होती है कि आदमी को पता भी नहीं लगता, जो मीठी महंगी मिठास के तौर पर होती है और वो एकदम ऐसी चलती है कि लीवर को एकदम जाम कर देती है, कर्मचारी का दम घुटना शुरू हो जाता है, उससे पता नहीं लगता। कई तरह की गैस होती है, लेकिन मैंने लिख रखी है मेरे पास है, लेकिन हमने जब पहचान रोग भी हो जाता है कर्मचारियों को, वो क्या आंखों में गैस रख के गए आंखें खराब हो जाती, कानों में गैस रख गैस खराब, वो आदमी मतलब पूरे सर्विस नहीं कर सकता, वो 40 साल का या 45 साल में 30 साल में या 50 साल में वो एक्सपायर हो जाता है, बेचारा पीड़ित हो जाता है, एक तो इलाज समय पे नहीं मिल पाता। हमने कहा था इनको कैशलेस दी जाए, कैशलेस सुविधा है, क्योंकि कैशलेस सुविधा जो पक्के आदमी उनके विषय में भी कहता और जितने कच्चे आदमी हैं या ठेकेदार आते आदमी हैं इनको भी मेडिकल सुविधा पूरी मिलनी चाहिए, इनको भी कहना सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए सभ्य तक, तो इनकी सुरक्षा के लिए इनका ध्यान मान सम्मान और सुरक्षा अधिकार, यही लड़ाई हर इंसान की है। लेकिन न तो मान सम्मान की तो इनकी बात विचारों की कहाँ है, लेकिन इनको तो इनकी सुरक्षा का भी कोई ध्यान नहीं सरकार करती। इनको सरकार ने एक ही काम करके सीधा कान पकड़ के घुमा के कान पकड़ लिया, इनको घुमा फिर के कहा यह है कि अगर मर जाएगा तो ध्यान कर लेगा, लेकिन कोई भी निजीकरण करा गाड़ी यहाँ आई, लेकिन गाड़ी के ऊपर भी जो काम सफाई कर्मचारी जो सीवर में काम कर रहे हैं जो उसमें लगाते हैं तब भी तो गैस लगती, छींटे भी लगती, कपड़े भी खराब होते हैं, बूंदे द्वारा गैस अंदर श्वास के द्वारा अंदर चली जाती है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सुनवाई अब तक भी। हमने कहा कि ठेकेदारी पड़ता निजीकरण को बंद कीजिए, अरे काम डिपार्टमेंट के हाथ होना चाहिए। अभी मैं आपको बताना तो 2000 में 8,500 कर्मचारी सीवर कर्मचारी था और घटकर सिर्फ 2800 कर्मचारी रह गया, जो दिल्ली का क्षेत्रफल बढ़ा है और कर्मचारी घटा है, और ये चाह रहे हैं कि कर्मचारियों को इनकी स्थिति ऐसी कर दो लाके कि इनको 5-7 हज़ार रुपये दिए जाएं ताकि इनके बच्चे पढ़ न सकें, इनके बच्चे आगे आ नहीं सकें, इनके बच्चे कोई किसी भी ऐसी सुविधा में नहीं चाहते हैं, इसी काम को करते रहें और केजरीवाल जी के हाथ में आज कर्मचारियों को सुरक्षित किया। ये केजरीवाल जी से भी कहा अरे भी सरकार भी पूंजीवादी हो गई है और क्या नाम क्या देवी में पूंजीवादी हो रहे हैं और अधिकारी और ठेकेदार दोनों मिलकर कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। धन्यवाद। ये जो भी इतनी सी बात है। और जबकि आज 1,36,00,000-30,00,000 तो पॉपुलेशन की आबादी काउंटिंग बोर्ड डालने वाले हैं,
और 60 लाख व्यापारी दिल्ली में शौचालय है जो इस्तेमाल करता है, दिल्ली अप डाउन करता है, जो पूरी दुनिया से, दिल्ली से, यूपी से, अदर स्टेटों से कपड़ा व्यापारी है, खाने वाला है, मांस वाला है, अंडे वाला है, सभी है, दूध वाला है, सब फल फ्रूट वाला है, वो फ्री में करते हैं। जितने दिल्ली की आबादी से दुगना तो व्यापारी दिल्ली में आता अप डाउन डेली करता है 12 महीनों 300 दिन, तो वो अलग से हो गया। आज सीवेज में जो कर्मचारी होना चाहिए कम से कम 40,000 होना चाहिए, कम से कम 40,000 होना चाहिए, और जल बोर्ड टोटल एम्प्लॉय होना चाहिए 2 लाख के करीब, 40,000 जल बोर्ड में सीवेज में लोग काम करें और सरकार के द्वारा ही करें, शोषण बंद नहीं होगा उनका। ये इसलिए करें कि उस जो आदमी सरकार की जिम्मेवारी बनती है और वो कर्मचारी यूनियन से जुड़े, यूनियन से जुड़ने के बाद उसको निकाले नहीं, ताना सा ना करें, ये बंधुआ मजदूरी हो गई। मैं इसको क्लियर कर रही हूँ थोड़ा सा कि जो 1.6 उनके अपने नॉर्म्स हैं दिल्ली जल बोर्ड का कि 1.6 किलोमीटर पे एक सीवर गैंग बेलदार होना चाहिए। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखें दिल्ली या बाहरी दिल्ली का या जो दूसरे अनऑथराइज कॉलोनीज हैं तो कई हजार वर्ग क्षेत्रफल होता है, उस क्षेत्रफल में क्या 2800 कर्मचारी इतनी बड़ी मेगा सिटी को साफ कर सकते हैं? एक आदमी कम से कम 15-20 कंप्लेंट खोलता है। बिल्कुल, पहली कंप्लेंट खोलने पे ही वो बेहोश हो जाता है, दूसरी को फिर तो चीनी भी खिला के खोलता है वो, ये उसकी दशा है। भाई साहब कह रहे हैं रिक्रूट सब हो गए, वो सब झूठी बातें हैं, वो कोई सेफ्टी मेजर्स, आप मेरे साथ चल रहे हैं, मैं दिखा दूंगा आपको, अगर एक भी कर्मचारी लेके चला जाए फर्द बाजार में दिल्ली 6 का तो वो बुरा हाल है कि वहां ना तो रिक्शा जा सकता, ना वहां साइकिल जा सकती, वहां व्यक्ति जाएगा, मशीन जा ही नहीं सकती, या तो मकान हटाओ जब जाएगा आदमी, मकान हटेंगे नहीं, राजनीति वोटों की चल रही है, वोट के चले। लेकिन आज MCD में भी जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं जो झाड़ू लगाते हैं, रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिल रहा, आप देख लो सभी किसी को भी रिटायरमेंट कोई पैसा नहीं मिल रहा, कहां थे यूनियन है, कहां है NGO है, जैसे भाई बुलाया मैं गुस्से में नहीं आ रहा था, इन्होंने बुलाया मैं पहली बार बुलाया। ये दर्द है हमारे मजदूर का, मजदूर किसी भी लाइन में हो उनका यही हाल है। NDMC जल बोर्ड का कस्टमर है, MCD जल बोर्ड का कस्टमर है, MCD में सीवर है वो भी जल बोर्ड के हैं, वो सब सब क्लाइंट है उसके सभी, और NDMC हमसे ही पानी लेती है, हमसे ही सीवर लेती है, हम ही को उड़ेल देती है। तो ये सिर्फ घोटाले हैं, ब्लैक दोनों पर काम है। मैंने को ले गया था भाई साहब को, ये 18 महीने मेरे साथ थी, तो शीला मैं समय 19वां मैं था, मैं कन्वीनर था संगठन का, तो ये खड़े थे, तो आप सुने गौर से जरा, तो शीला ने गाली देके बात करी, तुम कैसे आ गए हमारे यहाँ पर, आ रही बहुत अच्छी लेडी थी बेचारी, इन सबसे तो अच्छी थी वो, कह रही मेरा नेता वो खड़ा पीछे, मैं खड़ा हो गया, कह रही मैं तो आधे घंटे बाद तेरे फोन करूंगी, तुम उसे मिल नहीं रहा, भाई साहब मैं उससे मिला नहीं, तो कह लेंगे तुम इनको क्यों लेके आया, मैं क्या सब दुखी हैं, ये दुखी हैं, ये सामने लोग बैठे ऐसे नहीं है, आज तक इतनी रिकॉर्डिंग थी, और रिकॉर्डिंग कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी है सारी, वो दो ना रिकॉर्डिंग, और लड़ाई लड़ेंगे चलो कैसे कर देंगे घुस जाएंगे, मैं राष्ट्रीय सलाहकार हूँ किसान यूनियन का, और मैं उतारूंगा लाखों करोड़ों आदमी आपके लिए। एक सवाल ये है कि सर अभी क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, अभी क्वेश्चन अभी पूरा कर लें फिर क्वेश्चन लेंगे, जी जी पूरा कर लेते हैं फिर क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। एमसीडी के अंदर भी आज एमसीडी में अभी लेंगे सर, अभी लेंगे एक बहुत जरूरी बात है, आपको समझ में नहीं आएगी ना ये बता पाएंगे, लंबी बात है ये, आप कह रहे हैं कर्मचारी कहाँ से लगाएं, हमारे यहाँ पूरी दिल्ली के लिए बाबा जी सुन लो यार, बहुत आपको नहीं समझ में आएगी, समझ मांग रहे हो आप, बुलाओ नहीं तो सुन लो, हमारे पास इतनी गैस है पूरी दिल्ली के लिए गैस घरों में दे सकते हैं, हम देते थे अंग्रेजी राज में, हम आजाद होने के बाद भी दी हमने जल सीवेज प्लांट में, सीवेज की इतनी गैस होती है, इतनी हमारे पास बिजली बनती है, हम बिजली भी बनाते थे जल बोर्ड वाले पानी से, सीवेज के पानी से बिजली बनेगी और नौकरी की, ये झूठ बोल रहे हैं लोग, आज लिस्ट देख लो कितने आज तक ठेके में पैसे दे चुके खरबों अरबों रुपए, और जल बोर्ड तनख्वाह कितनी बनती थी। चलिए खत्म कर ले जी, वाइंड अप की तरफ हम क्वेश्चन आंसर से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी उमेश बाबू से कि उमेश बाबू हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं और उमेश बाबू से कि वो अपनी कुछ बात रखें, प्लीज बात आप अपनी रखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। जी आप इधर आ जाइए, फाइल लेना तो
साथियों जिंदाबाद, मेरा नाम उमेश बाबू, मैं दसम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। दो तीन चीज़ें आप सारे लोग बोल चुके हैं, हम रिपीट नहीं करेंगे। पॉइंट इज कि दिल्ली गवर्नमेंट क्या है, 525 करोड़ रुपये का टेंडर 2018-19 में और 19-20 में दिया है, और उस जो पैसा है उस पैसे में से जो है और इस साल दिया है 728 करोड़ रुपये का टेंडर। इस टेंडर में जो सफाई कर्मचारी हैं उनको क्या उपकरण दिए जाने चाहिए, सारे आइटम्स दिए जाने चाहिए, उसका सारा विवरण होता है जिसको हम बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं। हमने RTI में मांगा तो डायरेक्टर ने तो कहा कि हाँ इतना हमने पैसा दिया है ठेके के लिए, लेकिन जो ठेका बनाते हैं, टेंडर बनाते हैं, उनसे हमने बनाया कि आपने कि जो ठेका दिया उसमें इस आइटम के लिए कितना पैसा है, तो नीचे का जवाब नहीं दे रहा। वो उसका ऑर्डर भी है, हम हियरिंग में गए, 3 हियरिंग हमने की दिल्ली जल बोर्ड में और 3 हियरिंग हमारी सफाई कर्मचारी आयोग के सामने हुई है। तो जो सीनियर अधिकारी हैं उसने बोला अपने जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर को कि आप ये जिनको जो जानकारी चाहिए आप दे दो, लेकिन नीचे वाले अफसर जानकारी नहीं दे रहे हैं। हम अपील में जाएंगे, सेकेंड अपील में, दैट इज डिफरेंट इशू, बट 4 महीने हो गए नीचे वाले अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरा समस्या यह है कि हम सफाई कर्मचारी आयोग के सामने हमने अपना अपील डाला, तो अपील में हमारे 3 बार हमारी मुलाकातें हुई, एक बार दिल्ली जल बोर्ड के CEO साहब आए, लेकिन उस समय आने से पहले ही वो नेक्स्ट टाइम डेट लेकर के चले गए, हम समय पर गए तो मुलाकात नहीं हो पाई। दूसरी बार गए तो दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी भी हमको मिले वहाँ पर, तो मिले वो लोग जो है लेकिन कुछ कागज़ नहीं जमा कर रहे हैं, तो ये आते हैं जाते हैं कोई कागज़ जमा नहीं कर रहे हैं। नीचे के अधिकारी RTI का जवाब नहीं देंगे, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो जब प्ली है हमारी तो उस पर अपनी बातें नहीं रखेंगे। तो ये 2 चीज़ें थी जो हम ऐड करना चाह रहे थे, बाकी सारे साथियों ने सभी बातें बोल दी है, तो वो सारे हम लोग ये सारे इसलिए मैंने फाइल मंगाया कि उसमें सारे हमारे दस्तावेज एविडेंस हैं, हम इस एविडेंस के साथ बोल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू उमेश जी, आपने मिसिंग पॉइंट ऐड कर दिया। जैसे कि उमेश जी ने बताया, हम लोगों ने 3 मीटिंग दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के साथ करी है और 3 मीटिंग RTI के तहत करी है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि RTI के तहत जो, जैसे कि उन्होंने बोला कि हमें 4 महीने हो गए हैं अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, हम लोग ठेके के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो ठेका मिलता है वो जो जैसे कि उमेश जी ने बताया कि बजट के तहत अलॉट हुआ होता है SC ST के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, तो उसी में से कुछ हजारों करोड़ों का ठेका दे दिया जाता है सीवर कर्मचारियों के लिए। तो उस ठेके में जब हमारे जो असलियत में जो सीवर कर्मचारी हैं वो बिना सुरक्षा उपकरणों के जब नीचे उतरते हैं, तो एक मैं आप सबके सामने ये भी बात समक्ष रखना चाहती हूँ कि जब आप किसी भी स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सुरक्षा उपकरण तो दिखेंगे एक बोर्ड पर सजे हुए, पर जब आप, जैसा कि सभी ने बताया, जब आप जमीन पे जाएंगे तो शायद एक मास्क होता है, वो भी कोरोना की वजह से अभी देना शुरू हो गया है, एक कमर पे बंधी हुई रस्सी होती है ज्यादा से ज्यादा, और जैसा कि वेद प्रकाश जी ने बताया कि उनके पास आइडेंटिटी कार्ड, अगर वो परमानेंट है तो है, परमानेंट का तो खैर हम, लेकिन जहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल की बात कर रहे हैं उनके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है, कोई वर्क परमिट नहीं होता है, अगर उसकी मौत हो जाती है तो हम लोग का सारा संघर्ष ये प्रूफ करने में निकल जाता है कि इसकी सफाई करते हुए मौत हुई है, इसके कम से कम परिवार को मुआवजा ही मिल जाए, जो परिवार ऑर्फन हो गया है उसको कम से कम मुआवजा मिल जाए। तो RTI के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि एक उपलब्धि भी हुई है, वह उपलब्धि ये है कि जो एक टेंडर होता है रिहैबिलिटेशन के लिए सीवर कर्मचारियों के लिए, हम लोगों ने थ्रू RTIs और इन सब से थ्रू मीटिंग्स हम लोगों ने ये देखा कि जो रिहैबिलिटेशन के लिए जो मशीनीकरण हुआ है, तो जो मशीनें हैं वो उन तक नहीं पहुंच रही हैं जो उसकी असली हकदार हैं। कहने को खाना पूर्ति ज़रूर हो रही है, SC ST को देना हो, SC को देना होता है तो SC को मिल जाती है, लेकिन जहाँ पर मौत हुई है, जो इस काम में लगे हुए हैं
उन उस फैमिली तक वो मशीन नहीं पहुंच रही है। तो हम लोगों ने काफ़ी मीटिंग्स करके कम से कम जो नया टेंडर था मशीनीकरण का कि इनको पुनर्वास के लिए मशीनें मिलने वाली थी वो फिलहाल के लिए रुक गया है और आगे कोशिश जारी है कि जो लोग असलियत में मतलब असलियत और नकलियत क्या जो लोग सब सीधा सीधा तौर से सीवर के काम से जुड़े हुए हैं जो लोग जो जिन परिवारों से कोई चला गया है सीवर का काम करते करते उन तक ये मशीनें पहुंचे और उसका लाभ हो।